नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये वाल है और दीवाल को बनाने के बाद दीवाल को मापकर लेबर का पेमेंट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी दीवाल को मापकर लेबर का पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। यदि आप इस मेथड को सीख गए तो आप पूरे दुनिया में किसी भी दीवाल को मापकर लेबर का कितना पैसा हुआ इसका कैलकुलेशन बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल तरीके से आपसे शेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी दीवाल है और इसी को मापकर हम आपको लेबर का पेमेंट करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई आपको टेप से माप लेनी है। तो दीवाल की जो टोटल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो लंबाई है वो 10 फिट है। तो चलिए हम यहाँ पर दीवाल के साइज के सामने दीवाल की लंबाई 10 फिट लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दीवाल की हाइट मापनी है। तो दीवाल की पूरी ऊंचाई यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो टोटल ऊंचाई है वो भी 10 फिट है। तो दीवाल की हाइट हम 10 फीट लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको जिस दीवाल को मापकर लेबर का पेमेंट करना है उस दीवाल की सबसे पहले आप लंबाई माप लेंगे, उसके बाद ऊंचाई माप लेंगे। लंबाई और ऊंचाई मापने के बाद दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो 10 × 100 यानी कि 100 स्क्वायर फीट इस दीवाल का एरिया हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि भाई इस दीवाल में ये जो विंडो है इसको लगाने का पेमेंट दिया जाएगा या फिर इसको माइनस करके लिखा जाएगा, वो हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो हमारे यहाँ 2024 में दीवाल बनाने का जो लेबर रेट चल रहा है, यदि हम स्क्वायर फीट की बात करें तो स्क्वायर फीट में 18 रुपये से लेकर 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। बट ज़्यादातर मिस्त्री 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दीवार जोड़ने का वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो दीवाल जोड़ने का जो रेट है वो 18 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो दीवाल का रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल कास्ट निकालना है। तो टोटल कास्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है WA यानी कि वाल का एरिया इनटू लेबर रेट पर स्क्वायर फीट। लेबर रेट पर स्क्वायर फीट, तो यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यू हैं तो चलिए हम सभी वैल्यू को लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस दीवाल को जोड़ने का टोटल लेबर रेट कितना हुआ। तो सबसे पहले WA यानी कि वाल का एरिया 100 स्क्वायर फीट है, तो वाल का एरिया हम 100 स्क्वायर फीट लिख लेते हैं इनटू लेबर रेट पर स्क्वायर फीट। तो हमारे एरिया में वाल जोड़ने का जो लेबर रेट है वो पर स्क्वायर फीट 18 रुपये यानी कि 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो लेबर रेट पर स्क्वायर फीट 18 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया। अब चलिए गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस दीवाल को जोड़ने का टोटल लेबर रेट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1800 रुपये हो गया, यानी कि इस दीवाल को बनाने का जो टोटल लेबर रेट हुआ वो 1800 रुपये हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी दीवाल को मापकर उस एरिया में टोटल कितना रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर रेट चल रहा है उसका गुणा करके आप पता कर सकते हैं कि भाई उस दीवाल को बनाने का लेबर रेट कितना हो गया। अब चलते चलते आप सभी से एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हमारे दीवाल का साइज 10 फीट बाई 15 फीट है और दीवार जोड़ने का जो लेबर रेट है वो 18 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लेबर रेट टोटल कितना हो गया। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन होगी कि बीच में ये जो विंडो है दीवार जोड़ते समय यदि कोई मिस्त्री विंडो लगा रहा है तो क्या इस विंडो का एरिया माइनस करेंगे या फिर नहीं। तो यदि ईंट जोड़ने वाले ने विंडो लगाई है तो विंडो का एरिया माइनस नहीं किया जाएगा, किसी भी सिचुएशन में माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि विंडो लगाने में यानी कि खिड़की लगाने में ईंट को जोड़ने से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए भाई साहब विंडो का एरिया भी ऐड करेंगे। जबकि प्लास्टर में कुछ सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहाँ पर विंडो का एरिया माइनस कर दिया जाता है, लेकिन दीवाल को जोड़ते समय यदि दीवाल जोड़ने वाले ने ही विंडो लगाई है तो उस सिचुएशन में विंडो का एरिया किसी भी सिचुएशन में माइनस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी दीवाल को मापकर हम लेबर का पेमेंट किस तरीके से करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।